नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गर्ग एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों इन ट्यूटोरियल्स के बीच में। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हम पिछले दो ट्यूटोरियल राग भोपाली पर देख चुके हैं, तो आज के ट्यूटोरियल में भी हम राग भोपाली को कंटिन्यू कर रहे हैं। दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं राग भोपाली के सरगम गीत के बारे में। सरगम गीत राग भोपाली का बहुत आसान होता है दोस्तों ये सरगम गीत, और इसकी खासियत ये है दोस्तों कि इसे सीखने के बाद में राग भोपाली का जो राग है, जो बंदिश है, जो ताने, स्थाई, अंतरा, ये सब बहुत आसान हो जाते हैं इस सरगम गीत को सीखने के बाद में। और ये सरगम गीत इतना आसान है दोस्तों कि बहुत इजीली आप लोग इसे सीख भी सकते हैं। आधारभूत राग है संगीत श्रेणी के अंदर, क्योंकि इस राग को सबसे पहले सिखाया पढ़ाया जाता है विद्यार्थियों को। तो दोस्तों, बढ़ते हैं इस सरगम गीत की तरफ, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं सरगम गीत की तरफ, राग भोपाली का सरगम गीत। तो दोस्तों, राग भोपाली का सरगम गीत गाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका आरोह अवरोह आलाप ताने सब उसी तरीके से इसको लेना है जैसे किसी राग को शुरू करने से पहले हम लोग सभी चीज लेते हैं। सबसे पहले आलाप लेते हैं, फिर आरोह अवरोह लेते हैं, उनको भी आलाप में करते हैं। आरोह अवरोह को यानी कि आग की आवाज़ से आरोह अवरोह को बोला जाता है, और उसके बाद सरगम गीत गाना है। सेम वैसे ही करना है जैसे हम राग सुनाते हैं, लेकिन आज हम लोग दोस्तों आरोह अवरोह को एक छोटा सा सिर्फ रिकैप लेंगे उसका, क्योंकि हमने आरोह अवरोह पहले कर चुके हैं हम भोपाली पर। तो आज हम सिर्फ एक छोटा सा रिकैप लेंगे आरोह अवरोह का और सीधा सरगम गीत स्टार्ट करते हैं। राग भोपाली आरोह अवरोह। सा रे ग प ध सा, सा ध प ग रे सा, आ तो दोस्तों, शुरू करते हैं राग भोपाली का सरगम गीत। ये तीन ताल पर आधारित है दोस्तों, और खाली से प्रारंभ होता है। खाली यानी नौवीं मात्रा से प्रारंभ होता है, और इसका जो अंतरा है वो भी नौवीं मात्रा से ही प्रारंभ होता है। ये बहुत आसान है, इसीलिए ये आपको मतलब इतनी आसानी से समझ आने वाला है दोस्तों। इसकी जो रूल्स हैं वो भी बड़े ईजी हैं कि खाली से प्रारंभ हो रहा है, मुखड़ा भी और अंतरा भी, ये दोनों ही चीज़ें खाली से प्रारंभ होती हैं। तो बढ़ते हैं राग भोपाली के सरगम गीत की तरफ। सा सा ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग, सा सा ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग, ग प ध सा रे सा ध प सा प ध प ग रे सा, ग प ध सा रे सा ध प सा प ध प ग रे सा, सा सा ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग, सा सा ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग, ग ग प ध प सा गे सरे रे सा ध प ग रे सा, ग रे सरे रे सा ध प ग रे सा ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग, सा ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग, ग प ध सा रे सा ध प सा प ध प ग रे सा ध प ग रे सा रे सा ध प ग रे सा रे सा ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग। तो दोस्तों, ये था राग भोपाली का सरगम गीत।
जिसे गाना और सीखना और बजाना तीनों ही बहुत आसान है। तो दोस्तों इस सरगम गीत को याद कर लेने से जो सबसे बड़ी बात वो ये होती है कि जो राग भोपाली का जो स्वर समुदाय है वो इजीली आपके माइंड में बैठ जाता है, और ये इतना इजी है कि आपको जल्दी से याद भी हो जाएगा, और इसको लर्न करने के बाद में, इसको प्रैक्टिस करने के बाद में आप राग भोपाली का जो बंदिश है उसे बहुत जल्दी ही सीख जाएंगे। तो दोस्तों इस सरगम गीत को याद करना बंदिश को शुरू करने से पहले बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के ट्यूटोरियल में दोस्तों इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये स्वर और सरगम गीत जो है वो समझ आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में दोस्तों। तो एक बार फिर से मैं आपसे सब्सक्राइब अपील करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बने रहें दोस्तों डीजी क्रिएशन के साथ। नमस्कार।